हेलो दोस्तों, एक बार फिर रोमांच से भरे इस सफर में आपका स्वागत है। क्या आपको याद है, आज से कुछ दिनों पहले हमने अमेजिंग टेक्नोलॉजी सीरीज की दूसरी वीडियो डाली थी और आपने हमें उस पर काफी अच्छा रेस्पॉन्स भी दिया था। हमें ये देखकर काफी अच्छा लगा कि आप हमारे काम को सराहा रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, आप सबकी डिमांड पर हम एक बार फिर इसी टॉपिक पर वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में दिखाई गई ऑटोमोबाइल टैग को देखकर आपका सर चकरा जाएगा, यानी आप पूरी तरह से हैरान होने वाले हो इस वीडियो को देखने के बाद। और हाँ, यकीनन ये वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार है। मेरी आपसे एक छोटी सी विनती है कि प्लीज आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप बहुत सी ऐसी चीजों के बारे में जान पाओगे जो आपने अपनी जिंदगी में पहले कभी भी नहीं देखी होंगी। तो गाइस, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, हमारी इस लिस्ट में पहले नंबर पर है ऑफ रोड ट्रक। वैसे तो आपने इस अजीब से दिखने वाले इस ट्रक पर कई वीडियो गेम खेली होंगी और यहाँ तक कि बचपन में ऐसे ही दिखने वाले किसी खिलौने से खेला भी होगा, पर असल में आपको इसकी ताकत और कारनामों का जरा भी एहसास नहीं होगा। दरअसल इस ट्रक का नाम जायंट 18B है। इसे एक रशियन टेक्नोलॉजिस्ट एलेक्सी यूरेगेशियन ने डिजाइन किया है। स्पेशली इस ट्रक को ऑफ रोडिंग और कई सारे असंभव से दिखने वाले कारनामों को करने के लिए बनाया गया है। चाहे वो किसी घने जंगल में पेड़ों के बीचों बीच निकलना हो या फिर किसी वीरान भुरभुरी बर्फ में ढकी चट्टानों पर चढ़ना हो, ये इन सभी कामों में बिल्कुल माहिर है। इसके 5 फीट लंबे जायंट व्हील इसे ऊंची जगहों पर बगैर किसी रुकावट के चढ़ने में काबिल बनाते हैं। साथ ही 2 फीट बड़े ग्राउंड क्लियरेंस से इसे किसी भी रुकावट को पार करने में आसानी होती है। इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि चाहे कोई ऊंचा ब्रेकर हो या फिर कोई दलदल से भरा गड्ढा, इसे रोकने में नाकामयाब ही रहता है, क्योंकि इसके जायंट व्हील्स अपने एडजस्टमेंट फीचर की सहायता से अपने आप को परिस्थितियों के अनुरूप ढाल लेते हैं। अभी तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत है, अभी तो आपको बहुत कुछ इस वीडियो से मिलने वाला है। अगले टॉपिक पर बात करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि करीब 10 से 20 टन वजनी क्या एक आर्मी टैंक पानी में तैर सकता है? जी हाँ, आपका जवाब ना रहा होगा, पर आपकी इस सोच को चैलेंज देने के लिए अब आ गया है UHAC। दोस्तों, दरअसल ये एक विशाल वाटर वॉट है जो किसी टैंक की तरह ही चैन पर चलती है, चाहे जमीन हो या पानी, ये बोट हर जगह चलने में सक्षम है। दोस्तों, असल में ये अमेरिकन मरीन गार्ड का UHAC हैवी लिफ्टर है। इस तरह की टेक्नोलॉजी को 19th सेंचुरी में चलने वाली फ्रेंच पवल रिवर बोट से लिया गया था। इसमें हाइड्रोक्राफ्ट के दोनों कोनों पर हैवी चेन्स मैकेनिज्म लगा होता है, जिससे ये बेहतरीन पकड़ के साथ पानी और जमीन पर चल पाती है। असल में ये एक मिलिट्री व्हीकल है जिसका इस्तेमाल युद्ध के समय गोडाउन से 200 टन से भी ज्यादा वजनी हथियारों को युद्ध पोत तक ले जाने के लिए किया जाता है। इस जायंट व्हीकल का सबसे पहला टेस्ट 2013 में किया गया था। तब से अब तक ये अमेरिकन आर्मी के लिए अपनी सेवाएं दे रहा है। जी हाँ, अगर आपको भी बाइकिंग या मोटरसाइकिल चलाने का क्रेज है तो हमारी इस लिस्ट का अगला व्हीकल आपका फेवरेट हो सकता है। आज तक ना जाने हमें कितनी वीडियोस गेम में जमीन और पानी दोनों पर चलने वाली मोटरसाइकिल दिखाई गई, पर असल मायनों में ऐसा कुछ भी संभव नहीं था। बट थैंक्स टू GIIBS मोटर बाइक्स कंपनी, जिन्होंने आज इस काम को पॉसिबल कर दिखाया है विस्की नाम के मॉडल से। दरअसल उन्होंने एक स्किंग बाइक को तैयार किया है। यह एक अत्यंत आधुनिक और फ्यूचरिस्टिक मोटरसाइकिल है। ये किसी आम बाइक की तरह तेज रफ्तार से जमीन पर तो चल ही सकती है, साथ ही एक बटन प्रेस करते ही इसे किसी झील या फिर नदी को भी पार करने के लायक बनाया जा सकता है। वैसे तो इस बाइक के इस फीचर को एक एक्स्ट्रा सेफ्टी फीचर के तौर पर बनाया गया था। झील में जाते ही आप इस बाइक को किसी वाटर जेट की तरह भी काम में ले सकते हैं और बेहतरीन स्किंग का भी आनंद ले सकते हैं। इसका डायनेमिक और स्लेक डिजाइन इसके काम करने की इफिशियंसी को 100 गुना तक बढ़ा देता है, जिससे इसमें बेहतरीन कंट्रोल्स और बैलेंस बना रहता है।
साथ ही हम इसकी स्पेसिफिकेशन पर जाएं तो इसमें 55 हॉर्स पावर का इंजन लगा होता है जो किसी भी स्किंग बाइक को चलाने के लिए काफी है। साथ ही ये नेविगेशन के लिए अत्याधुनिक जीपीएस सिस्टम से भी लैस है। जी हाँ, अब आप जो अगला व्हीकल देखने जा रहे हैं वो विस्की का ही अपग्रेडेड और इससे भी ज्यादा पावरफुल वर्जन है, तो आपको मजा तो आएगा ही। दरअसल ये एक फोर व्हीलर एम्फीबियस व्हीकल है। इसकी मदद से आप एक व्हीकल में ही दो व्हीकल के मजे ले सकते हैं। दरअसल इसकी 45 मील प्रति घंटे की रफ्तार आपको जमीन पर तो एक नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस देगी, पर हैंडल पर लगे एक बटन को दबाते ही ये एक स्किंग जेट में परिवर्तित हो जाएगी, जहां आप इससे नदियों की लहरों के बीचों बीच कई रोमांचक स्टंट को अंजाम दे सकते हैं। दरअसल ये एक क्वाड स्किंग बाइक है। इसमें एक खास बात ये है कि ये टू सीटर है, यानी आप इस बाइक का आनंद अपने किसी फ्रेंड या फिर फैमिली मेंबर के साथ भी ले सकते हैं। और इसकी सबसे अमेजिंग बात तो ये है कि इसमें लगा इंजन एक मशहूर कार कंपनी BMW द्वारा तैयार किया गया है। दरअसल इस बाइक में BMW पावर स्किंग एक्सल 300cc का इंजन है जो यकीनन अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से सुपर है। ये वाटर स्किंग मोटरसाइकिल कई आकर्षक कलर्स में उपलब्ध है। आप नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि इसमें से आपको कौन सा कलर फेवरेट लगता है और ये बाइक आपको पसंद आई या फिर नहीं। दोस्तों क्या आपको याद है साल 1977 में आई जेम्स बॉन्ड की द स्पाई मूवी में एक ऐसी फ्यूचरिस्टिक कार को दिखाया गया था जो अचानक पानी में गिर जाने के बाद किसी सबमरीन यानी पनडुब्बी में बदल जाती है। खैर उस समय तो ये VFX एनिमेशन और डायरेक्टर के दिमाग की उपज थी, पर आज ये चीज एक सच बन चुकी है और इसी बारे में हमारा अगला टॉपिक है। जी हाँ, एक फ्यूचरिस्टिक अंडरवाटर कार। इनफैक्ट इस कार को एक ब्रिटिश ऑटोमोबाइल कंपनी SQUA ने डिजाइन किया है। ये अपने आप में दुनिया की पहली ऐसी कार है जो पानी के अंदर जाने के बाद एक सबमरीन के जैसे काम करने लगती है। असल में ये कार दुनिया की नजरों में तब पहली बार आई जब साल 2008 में हुई एक प्रदर्शनी में SQUA मोटर्स कंपनी के मालिक फ्रैंक ने इसे प्रदर्शित किया। और साथ ही इस कार की दूसरी भी एक खासियत है जिसको सुन के तो आप हक्के बक्के रह जाएंगे। जी हाँ, वो है ऑटो पायलट मोड जो आज तक सिर्फ बड़े से बड़े एयरक्राफ्ट में होता था, वो इस कार में भी मौजूद है। यानी कि 75 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही ये कार बगैर किसी चालक या फिर ड्राइवर के भी चल सकती है। ये दोनों ही फीचर्स इस कार की खूबियों को चार चांद लगा देते हैं। बसेस की जरूरत तो हम सभी को पड़ती है, मगर इसमें इतना भी खास नहीं है। आई एम श्योर रोज की तरह भीड़ भाड़ और धीरे धीरे चलने वाली बसों की सवारी करके आप परेशान हो गए होंगे। तो अब ये देखिए दोस्तों, ये है एम्फीबियस ट्रेवल बस और ये बस इतनी गजब है आप इसे देखकर बस देखते ही रह जाएंगे और कमेंट में लिखेंगे भाई भाई ये आपने क्या बता दिया। अगर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे दृश्य से घबरा गए हैं तो घबराइए मत, क्योंकि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये तो बस इस बस की खूबी है, वो भी एक। अभी तो बहुत सी ऐसी खूबी है इस बस में जो आप देखोगे। दोस्तों असल में ये बस पानी की सतह पर व किसी बोट की तरह काम कर सकती है, साथ ही 28 से 30 लोगों को आराम से सवारी करा सकती है, वो भी पानी के ऊपर। लेकिन दोस्तों सबसे हैरान कर देने वाली बात ये है कि ये बस फिलहाल कुछ यूरोपियन देशों के एयरपोर्ट्स में एक आम टूरिज्म बस की तरह काम में ली जा रही है। खास तौर पर इसे यूरोपीय देशों में बनी अजीबोगरीब नहरों और कैनल्स को पार करने के लिए बनाया गया है। दोस्तों अब बारी आती है आज के लास्ट एम्फीबियस व्हीकल की, जो कि है वाटर पैंथर। दोस्तों क्या आपको मालूम है, दोस्तों ये पूरे अर्थ प्लेनेट पर मौजूद सबसे जबरदस्त एम्फीबियस व्हीकल है जो न केवल समुद्र की लहरों के बीचों बीच अपना दम भर सकता है, साथ ही रेगिस्तान की टफ से टफ रास्तों पर भी दौड़ सकता है। इसमें लगा 300 हॉर्स पावर का दमदार इंजन इसकी परफॉर्मेंस में चार चांद लगा देता है। तेज से तेज रफ्तार में चलने के बावजूद भी इसका कंफर्ट लेवल काबिले तारीफ है। पानी में इसकी टॉप स्पीड 45 मील प्रति घंटे से भी अधिक है। इसकी खास बात यह भी है, इसे पानी के अंदर ले जाने के बाद इंजन ऑफ करके
बैक कंपार्टमेंट में खड़े होकर फिशिंग का भी मजा ले सकते हैं। ये गाड़ी अमेरिका में होने वाली कई बीच पार्टीज और सर्फिंग इवेंट्स में दिखती रही है। ये कार किसी आम कार की तरह 4 से 5 लोगों तक की क्षमता रखती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। कमेंट जरूर करें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा।